स्वागत आप सबका। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच रिव्यू। तो बिना देरी किए आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, यह मैच द गाबा ब्रिस्बेन के ऊपर खेला जाएगा और यह मैच करीबन सुबह के 5:30 बजे स्टार्ट होगा। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूँगा आपको पता है? हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप जुड़ सकते हो, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ये सेम वेन्यू है जहाँ पर 10 नवंबर को क्वींसलैंड वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बीच में फर्स्ट क्लास का मैच खेला गया था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। प्लस दोस्तों मेरे पास ना आपके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए कुछ फोटोज हैं। तो आपको सबसे पहले एक चलता हूँ फोटोज के ऊपर। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो जो पिच रहेगी द गाबा ब्रिस्बेन की, आपको यहाँ पे इस तरह से दिखने वाली है। ये फोटो ना दोस्तों ये 6 दिसंबर की है, ये ऐसे ऐसे दोस्तों 2 दिन पहले की फोटो है। तो पिच दोस्तों यहाँ पर इस तरह से दिखने वाली है। मैं आपके लिए दोस्तों फोटो जूम इन करता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझेगा। ये देखो दोस्तों ये पिच की दोस्तों ग्रास है, ये दोस्तों साइड की ग्रास है, जो फील्ड की ग्रास रहती है ना मैदान की। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा अंतर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो पिच रहेगी ना इसके ऊपर बहुत सारी प्लेंटी ऑफ ग्रास है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो पिच की क्रिकेटर थे ना, जो दोस्तों पिच की देखभाल करते हैं, पिच को दोस्तों संभालते हैं, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे कहा था कि जो पिच रहेगी ना इसके ऊपर दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बाउंस देखने को मिलेगा और यहाँ पे दोस्तों एक्स्ट्रा पेस देखने को मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला सेशन ना बैटर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बॉलर्स को दोस्तों मदद मिलेगी। फिर बाद में दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि पिच ना जैसे जैसे गेम चलेगा ना और बेहतर होती जाएगी दोस्तों यहाँ पे बैटर्स के लिए। पर स्टार्टिंग में दोस्तों यहाँ पे तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा पेस रहेगा, एक्स्ट्रा बाउंस रहेगा और हल्का सा दोस्तों स्विंग देखने को मिलेगा। इवन ओवरकास्ट कंडीशंस है ब्रिस्बेन के ऊपर दोस्तों, बारिश भी आ सकती है। मैं आपको वेदर फोकस दिखाऊंगा तब आप समझ जाओगे, ठीक है? तो आप पिच को यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों 10 नवंबर को जब यहाँ पे क्वींसलैंड वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट क्लास का शेफील्ड ट्रॉफी का मैच था, तब की फोटो है, ठीक है? ये बहुत पुरानी 10 नवंबर की है, ये दोस्तों लेटेस्ट 6 दिसंबर की फोटो ये वाली है। तो अब देखो दोस्तों बहुत बढ़िया पिच है यार। देखा जाए तो ग्राउंड डायमेंशंस की बात करते हैं, तो सामने की बाउंड्री ना सीधी बाउंड्री आपको यहाँ पे 76 मीटर की देखने को मिलेंगी। डाउन द ट्रैक वहीं स्क्वायर बाउंड्री दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ी है। ये मैदान ना दोस्तों बहुत बड़ा है, द गाबा द ब्रिस्बेन। तो देखो यहाँ पे 73 मीटर की स्क्वायर बाउंड्रीज है, 81 मीटर की है। तो कह सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा मैदान है ये स्टेडियम को। दोस्तों ये देखो, उससे पहले आप ये देखो दोस्तों, अरे बहुत ही दोस्तों खूबसूरत फोटो है। एक तरफ दोस्तों पैट कमिंस है, एक तरफ यहाँ पे जो रूट है दोस्तों एशेज की ट्रॉफी है। अब आपको दोस्तों खास बताऊँ क्या, खास बात यह है कि दोस्तों टेस्ट के नंबर वन बैटर है जो रूट, दोस्तों टेस्ट के नंबर वन बॉलर है कौन, अपने दोस्तों यहाँ पर पैट कमिंस। दोस्तों एक कड़क मैच होगा मेरे हिसाब से, दोस्तों टॉप क्लास मैच होगा दोस्तों। एक तरफ है टॉप बैटर कैप्टन, एक तरफ दोस्तों टॉप बॉलर कैप्टन है। तो दोस्तों ये तो खूबसूरती इस टूर्नामेंट की दोस्तों, मजा आने वाला दोस्तों एशेज के अंदर। तो स्वागत आप सब कहाँ पे, एशेज के अंदर दोस्तों। वही कहूँगा आपसे तो मैं, ये स्टेडियम को दोस्तों व्यू आप देखो, क्या दोस्तों स्टेडियम लग रहा है, ये सेट है दोस्तों पूरा माहौल यहाँ पे एशेज के लिए। गजब दोस्तों मैच होगा, शानदार दोस्तों मैच होगा। अब यहाँ पे स्टैट्स की बात करते हैं, तब देखो इस वेन्यू के ऊपर ना क्या हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों यहाँ पे लास्ट मतलब कि रिसेंटली जो भी प्लेयर स्क्वाड के अंदर है तब से लोगों ने यहाँ पे 6 मैच खेले और दोस्तों 5 मैच जीते हैं, मतलब लास्ट 5-6 साल के अंदर। अरे दोस्तों एक मैच आ रही थी ना ये इंडिया के खिलाफ आ रही थी दोस्तों, जहाँ पे इंडिया ने ऐतिहासिक जीत हासिल करी थी दोस्तों। मेरे को अभी भी याद है ऋषभ पंत का दोस्तों फोर था सामने की तरफ मिड ऑफ की तरफ, दोस्तों क्या शॉट था दोस्तों, मैच इन्होंने अपने हाथ में दोस्तों बना लिया था। तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों बहुत बड़ी हार थी वो मैच के अंदर। इंग्लैंड दोस्तों यहाँ पे 2 मैच के लिए दोनों हारी है। देखो जो टीम यहाँ पे बैट फर्स्ट करी है ना एक भी मैच नहीं जीती है, और यहाँ पे दोस्तों 1 मैच ड्रॉ हुआ है, और जो टीम दोस्तों यहाँ पे बैट सेकंड करी थी ना वो यहाँ पे 2 मैच जीती है। तो दोस्तों दूसरी पारी के अंदर पिच ज़्यादा बैटर खेलती है। अब देखो यहाँ पे औसतन स्कोर 350-350 बनता है, देखिएगा आपको हर एक इनिंग्स के अंदर। अब देखो यहाँ पे लास्ट 3 मैच के अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, रेड बॉल वाले मैचेस में पेसर्स मतलब होता है तेज गेंदबाजों ने 74 विकेट निकाले। राइट आर्म पेसर्स के 64 विकेट्स थे, लेफ्ट आर्म पेसर्स के 10 विकेट थे। स्पिनर दोस्तों ज़्यादा कुछ करे नहीं यार, यहाँ पे 3 मैच के अंदर सिर्फ 14 विकेट्स थे। स्पिनर्स के ऑफ स्पिनर्स का 7 विकेट था, लेग स्पिनर का 1 विकेट था, लेफ्ट आर्म चेयरमैन का दोस्तों 2 विकेट था जो डार्ची शॉट ने निकाले थे, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के यहाँ पे 4 विकेट थे, ठीक है? अब देखो जो लास्ट मैच यहाँ पे हुआ था क्वींसलैंड वर्सेस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को, 10 नवंबर का मैच था, शेफील्ड ट्रॉफी का मैच था, एक रेड बॉल मैच होता है दोस्तों अपने इंडिया के अंदर। जैसे रणजी ट्रॉफी चलती है ना और इंग्लैंड के अंदर काउंटी चलती है, वैसे दोस्तों यहाँ पर ना वो चलती है शेफील्ड ट्रॉफी। तो उसका मैच था,
रेड बॉल का, उसमें लास्ट मैच में 28 विकेट पेसर से निकला था और 5 विकेट यहाँ पे स्पिनर से निकला था। वेदर फोरकास्ट से दोस्तों बात करते हैं, वेदर फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको दिखाता हूँ दोस्तों बारीकी से, थोड़ा सा दोस्तों वेट करते हैं, लोड होने का गूगल को भी टाइम दे अपना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको दोस्तों एक बारीकी से समझाऊंगा, पहले नेट ऑन कर लेता हूँ दोस्तों, तब आपको अच्छे से और समझेगा। ठीक है दोस्तों, नेट ऑन हो गया, वाईफाई आई मीन। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये मैच कब है, ये दोस्तों मैच है वेनेसडे के दिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेनेसडे के दिन क्या हो रहा है, हल्की सी दोस्तों बारिश है, ठीक है, क्या हल्के सी दोस्तों बारिश है वेनेसडे के दिन आप देखो यहाँ पे, पर जब मैच होगा ना सुबह तब दोस्तों बारिश नहीं है। फिर दोस्तों देखो यहाँ पे जब आखिरी सेशन होगा ना, थर्ड सेशन, तब दोस्तों यहाँ पे बारिश आ सकती है। फिर देखो थर्सडे के दिन बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों सुबह बारिश नहीं है, फिर से दोस्तों सेकंड या थर्ड सेशन में बारिश आएगी। फ्राइडे के दिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, फ्राइडे के दिन दोस्तों पूरा बारिश रहेगा, ठीक है। सैटरडे की बात करते हैं, डे फोर की, तो यहाँ पे दोस्तों वेदर क्लियर है। संडे के दिन दोस्तों क्लियर है थोड़ा सा, अपन कह सकते हैं दोस्तों आखिरी के दिन में जो टीम बैट सेकंड करेगी उसको एडवांटेज मिलने वाला है यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे किसकी, स्क्वाड की और न्यूज़ की, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोस्तों डेब्यू करेंगे एलेक्स कैरी, इनका दोस्तों ड्रीम डेब्यू है। वहीं दोस्तों मिथिल स्टार्क आ रहे हैं और ट्रेविस हेड आ रहे हैं, इनका दोस्तों प्लेइंग 11 पहले बाहर हो चुका, आपको बताया रहेगा। इन्होंने 5 दिसंबर को अपनी प्लेइंग 11 बाहर कर दी थी पैट कमिंस ने, ठीक है। इंग्लैंड की तरफ से मोरिनली दोस्तों रिटायरमेंट ले चुके हैं, आपको बताया रहेगा टेस्ट मैचेस से। अब देखो दोनों टीम्स ने आपस में 10 मैच खेले, इंग्लैंड 2 जीती है, ऑस्ट्रेलिया 6 जीती है और 2 मैच नो रिजल्ट रहे थे दोस्तों। अच्छा एशेस आपको मैच देखने को मिलेगा। लाइनअप्स की बात करते हैं, मार्कस हैरिस ओपन करेंगे, कंफर्म है। डेविड वार्नर के साथ दोनों लेफ्टी हैं, मार्कस लबुशियन यहाँ पे 1 डाउन आएंगे, स्टीव स्मिथ आएंगे 2 डाउन आएंगे, यहाँ पे ट्रेविस हेड आएंगे, यहाँ पे कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, नाथन लियोन, मिथ स्टार्क, पैट कमिंस, हेजलवुड। अब देखो दोस्तों गिव अवे किसके ऊपर है, गिव अवे यहाँ पर है मानस लबुशियन के ऊपर, उनका दोस्तों होम ग्राउंड है, क्वींसलैंड के दोस्तों प्लेयर है। हैशटैग स्टैट्स मुझे आपको लिखना, आपको बताना है यहाँ पर कि ML मानस लबुशियन कितने रन बनाएंगे, आपको दोनों पारी को टोटल बताना है, क्योंकि एशेज का मतलब टेस्ट मैचेस में क्या होता है, 2 पारी होती है, एक बैटर 2 बार बैट करता है ज़्यादातर, कभी दोस्तों डिक्लेयर हो गया तो बात अलग है। तो आपको बताना है कि दोनों पारी में टोटल कितने रन बनाएंगे, जैसे कि पहली पारी में 50 बना दिया, दूसरी पारी में 200 बना दिया, तो कितना होगा, 250 हो जाएगा। तो आपको इस तरह से बताना है। और दोस्तों होम ग्राउंड किस किस का है, मानस लबुशियन का होम ग्राउंड है, स्वेप्सन का है, नीसर का है, उस्मान ख्वाजा का है। बात करेंगे यहाँ पे इंग्लैंड की, रॉरी बर्न्स ओपन करने वाले हैं हशीब हमीद के साथ, दोनों यहाँ पे दोस्तों अटैकिंग प्लेयर्स से थोड़े से हसीब हमीद, रॉरी बर्न्स डिफेंसिव थोड़े से डेविड मलान है, जो रूट है, जॉनी बैरिस्टर है, बेन स्टोक्स रहेंगे, जॉस बटलर है, क्रिस वोक्स है, ऑली रॉबिन्सन है, जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड आपको दिखेंगे। अब यहाँ पे एक चेंज कर सकता है, जॉनी बैरिस्टर को बाहर करके बुलाया जा सकता है, जैक लीच को या ऑली पॉपे को, देखते हैं क्या होता है। जो लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, बैल एक्ट कर दिया, आपसे यही कहूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस की बात में बात कर लेते हैं, इंग्लैंड ने दोस्तों प्रैक्टिस मैच खेले थे, एक तो उनका 23 नवंबर को था, उस टाइम सिर्फ दोस्तों कुछ 15-20 ओवर ही हुए थे, बारिश इतनी तेज थी कि मैच हुआ ही नहीं। उसमें दोस्तों रॉरी बर्न्स ने करा था 39 नाबाद और हसीब हमीद ने 53 नाबाद करा था, दोनों ने ओपन करा था और दोनों ने इतने बनाए थे। अब देखो रिसेंटली इनका 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, उसमें देखो क्या हुआ था, बेन स्टोक्स ने 42 करे थे 56 गेंदों में, 10 ओवर में 2 विकेट निकाला 31 रन देके। रॉरी बर्न्स 37, हसीब हमीद 7 था, ऑली पॉप में 27 था, यहाँ पे क्रिस वोक्स का 13 था, जैक क्रॉली का 45 था, डैन ओवेन्स का 1 था, डेविड मलान का 8 था, जॉनी बैरिस्टर दोस्तों गोल्डन डक पे आउट हुए थे, और यहाँ पे जॉस बटलर फेल्ड हुए थे दोस्तों, सिंगल डिजिट्स में स्कोर करा था, जो रूट ने 8 रन बनाए, 4 ओवर में 7 रन देके 1 विकेट निकाला है दोस्तों, ऑली पॉपे का आउट करा था प्रैक्टिस मैच के अंदर। और यहाँ पे जेम्स एंडरसन ने क्या करा देखो आप, पहले तो इन्होंने 8 ओवर डाला, 23 रन दिया विकेट लेस, फिर दोस्तों दूसरे सेशन के अंदर 2 विकेट निकाले थे, स्टुअर्ट ब्रॉड 11 ओवर में 15 रन दिया विकेट लेस, ऑली रॉबिन्सन 12 ओवर में 34 रन दिया विकेट लेस, जैक लीच ने 18 ओवर डाला 69 रन दिया विकेट लेस। बात करें दोस्तों अभी किसकी, जब दोनों टीमें आपस में खेलती है तब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है। तो देखो जब मार्कस हैरिस ना इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं तो 3 मैच खेले हैं, 58 रन से 10 की औसत, दोस्तों कोई खास औसत है नहीं। अब देखो यहाँ पे मार्कस हैरिस कब इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों, मार्कस हैरिस ना जब बैट फर्स्ट करते हैं तो उनकी औसत होती है 21 और 20 की, चेस करते हुए 35 और 16 की औसत है, तो कह सकते हैं चेस ज़्यादा पसंद करते हैं, बैट सेकंड करना पसंद करते हैं। आई मीन डेविड वार्नर की बात करते हैं तो उनका 23 मैच के अंदर 40 की औसत है अगेंस्ट इंग्लैंड, 1600 रन है, हाई 124 है, 50+15 बार करा है, बैट फर्स्ट 56 और 45 की एवरेज है, बैट सेकंड में 45 और 42 की एवरेज है, दोस्तों बैट फर्स्ट में अच्छा करा है एज कम्पेयर टू बैट सेकंड। मानस लबुशियन आएंगे दोस्तों यहाँ पे, इनका 4 मैच के अंदर ना 353 रन है इंग्लैंड के खिलाफ, गजब स्टैट्स है, 50 की औसत है, बैट फर्स्ट 98 और 39 की एवरेज है, बैट सेकंड में के अंदर 61 और 27 की एवरेज है, तो बैट फर्स्ट में अच्छा है, बैट सेकंड में दोस्तों ठीक करा है, मतलब ऐसा नहीं है कि यार दोनों में खराब करा है, बैट फर्स्ट में थोड़ा ज़्यादा बैटर है, ऐसा नहीं है दोस्तों कि बैट सेकंड में खराब है यार, 61 27 का बड़ी बात होती है। स्ट्रेस में आएंगे यहाँ पे, इनको दोस्तों एशेस पसंद है, इस भाई साहब की ना एशेस के अंदर 100 की औसत है, ठीक है, एशेस के अंदर इंग्लैंड के खिलाफ। अब देखो यहाँ पे ओवरऑल टेस्ट के अंदर 27 मैच
65 की एवरेज है, 2800 रन है, हाइस्ट 239 है, 50 प्लस 16 बार गिरा है, बैट फर्स्ट 87-49 की औसत है, बैट सेकंड 61-31 की औसत, दोनों पारी में इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। स्टेट्स में इज अ लेजेंडरी प्लेयर इन रेड बॉल फॉर्मेट है, मेरे हिसाब से सबसे टॉप प्लेयर है दोस्तों, उनके आगे पीछे कोई आता नहीं है, ठीक है, ऐसा दोस्तों प्लेयर है। देखते हैं क्या होता है। ट्रेंड साइड की बात करते हैं, 4 मैच 193 रन 27 की औसत है, बैट फर्स्ट 55-31 की औसत है, बैट सेकंड 28-49 की औसत है। देखते हैं किस तरह से खेलते हैं। कैमरन ग्रीन आएंगे यहाँ पे, ये अभी तक इस टीम के खिलाफ नहीं खेले। फर्स्ट क्लास ग्रेड के अंदर 34 मैच में 2500 रन 40 विकेट है, 53 की औसत है। एलेक्स ग्रेड डेब्यू करें टेस्ट के अंदर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 45 मैच में 35 की औसत है और 2500 रन है। इनका दोस्तों रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, स्पेशली रेड बॉल वाले फॉर्मेट के अंदर इसने कुछ नहीं करा था, सीरियसली दोस्तों कहूँ। और अभी मार्च कप के अंदर तो अच्छा करा था, तो उसमें दोस्तों शतक जड़ा था अभी हाल ही के अंदर, 27 या 26 तारीख की बात है नवंबर की, शतक जड़ा था दोस्तों, पर वो था वाइट बॉल वाला मैच है दोस्तों, रेड बॉल का मैच है। देखते हैं क्या करते हैं। नेथन लियॉन 23 मैच है, 85 विकेट्स हैं, अच्छे गेंदबाज है दोस्तों, जब भी इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे जब ऑस्ट्रेलिया बैट फर्स्ट करती है। मैच स्टार्क 13 मैच 55 विकेट्स हैं, 362 रन, अच्छे गेंदबाज है। पैट कमिंस 10 मैच में 52 विकेट्स हैं और 237 रन्स हैं, अच्छे दोस्तों इनके नंबर्स हैं। जो हेजलवुड 13 मैच में 57 विकेट है, अब देखो एक पॉइंट ऑब्जर्व करा था हेजलवुड के ऊपर, बॉल फर्स्ट के अंदर 12 पारियों में 25 विकेट है, बॉल सेकंड में भी दोस्तों 12 पारियों में बॉलिंग कराई है 32 विकेट है, तो बॉल सेकंड में ज़्यादा बेहतर नंबर्स है, बॉल फर्स्ट में भी ठीक ही है। नेक्स्ट एप्सन ये तो दोस्तों खेलेंगे नहीं यार कोई, तो उनके बारे में क्या ही बात करें। अभी इंग्लैंड की बात करते हैं। रॉरी बर्न्स अगेंस्ट जो टीम है सामने ऑस्ट्रेलिया, 5 मैच 390 रन है, 39 की औसत है। इन्हें दोस्तों बैट फर्स्ट 30-25 की एवरेज है, मेरे हिसाब से बैट सेकंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 45 और 30 की एवरेज है चेस करते हुए, बैट सेकंड करते हुए तो ज़्यादा अच्छे हैं। बैट सेकंड के अंदर हसीब अमीद यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 83 मैच खेला है, 4000 के ऊपर रन से 33 की औसत है। इस टीम के खिलाफ नहीं खेला है इन्होंने दोस्तों, आज तक टेस्ट खेला है ना, सब इंडिया के खिलाफ ही खेला है इसने, हसीब अमीद ने बस इंडिया के खिलाफ ही खेला है। डेविड मलान 5 मैच 383 रन है, 43 की एवरेज है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, अच्छा करा है, बैट फर्स्ट में अच्छा करते हैं, बैट सेकंड में थोड़ा सा ठीक ही है। जो रूट की बात करते हैं यहाँ पे देख रहे हो आप, 24 मैच 40 की औसत है और 1700 रन है, हाइस्ट 180 50 प्लस 16 बार गिरा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये एक दीवार बन के खड़े रहते हैं इनको दोस्तों, आउट करो मैच आपके सेट हो सकता है ऐसा फॉर्मूला है। देखो बैट फर्स्ट 49-46 की एवरेज है, चेस के ऊपर 63-33 की एवरेज है, मेरे हिसाब से दोनों पारी में इंपॉर्टेंट अव्वल दर्जे के बैटर है। जॉनी बेयरस्टो 19 मैच 27 की औसत अगेंस्ट है जो टीम है ऑस्ट्रेलिया, 890 रन है, हाइस्ट 119 है, 50 प्लस 4 बार गिरा है, ज़्यादा दोस्तों चले नहीं है जब भी खेले यार इस टीम के खिलाफ। बैट फर्स्ट 49-30 की औसत है, बैट सेकंड 28-31 की औसत है, तो बैट फर्स्ट में अच्छा करा है। बैन स्टोक्स आएंगे दोस्तों, ये इस डिकेड के दोस्तों सबसे लेजेंडरी ऑलराउंडर है, 14 मैच 39 की एवरेज है, 34 विकेट्स है, 921 रन है, 135 50 प्लस 7 बार गिरा है, डक पे भी दोस्तों 3 बार आउट है, वो भी चिंता की बात है। बैट फर्स्ट में अच्छा करा है, 50-39 की औसत है, बैट सेकंड में 22-28 की औसत है, तो दोस्तों दोनों पारी के प्लेयर। अभी दोस्तों मुझे याद आती है हेडिंगले लीड्स के अंदर इन्होंने क्या करा था, चेस करते दोस्तों मैच जिताया था, गजब प्लेयर है जॉस बटलर, 10 मैच में 20 की औसत है, 369 रन साइज 30 है, 50 प्लस 1 बार गिरा है, बैट फर्स्ट 40-32 की औसत है, बैट सेकंड 25-36 की औसत है। आएंगे क्रिस वोक्स 9 मैच में 21 विकेट है, हेड टू हेड के अंदर दोस्तों नंबर से आप थोड़े कम है यार, 9 मैच खेल के सिर्फ 21 विकेट निकाला टेस्ट मैच में, मेरे हिसाब से वही बात हो गई कि पर मैच 1-2 विकेट निकाल रहे हैं, 276 रन है। कॉली रॉबिन्सन फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 69 मैच के अंदर 311 विकेट्स हैं, ये दोस्तों मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छे पिक रहेंगे कंपेयर टू क्रिस वोक्स इस मैच के अंदर, 1800 रन विद द बैट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और टेस्ट मैचेस में 5 मैच में 28 विकेट है। और दोस्तों आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर 6 दिसंबर की बात है, स्टीव स्मिथ ने कहा था कि भाई ऑली रॉबिन्सन कैन बी द थ्रेट फॉर अस, ही बोल्स ऑन दैट लाइन वेयर ए बैट्समैन कैप्ट ऑन डिफेंसिंग एंड वेयर दैट एज लगने के हिसाब से ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा अंग्रेजी दोस्तों नहीं, ठीक है। बात रही हमें जिम सैंडरसन की, 32 मैच 104 विकेट्स हैं, बॉल फर्स्ट करते हुए 33 पारियों के अंदर 63 विकेट है, बॉल सेकंड करते हुए 26 पारियों के अंदर 41 विकेट है, तो बॉल फर्स्ट में अच्छा करा है। स्टुअर्ट ब्रॉड आएंगे यहाँ पे, ये दोस्तों अच्छे गेंदबाज हैं, 32 मैच में 118 विकेट्स हैं, मतलब आप देखो जिम सैंडरसन ने भी 32 मैच खेले, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी 32 मैच खेले, फर्क क्या है, एंडरसन के 104 विकेट है भाई, स्टुअर्ट ब्रॉड के 118 विकेट है, मेरे हिसाब से स्टुअर्ट ब्रॉड ज़्यादा बेटर भी है एज कम्पेयर टू जिम सैंडरसन इन दिस गेम। आएंगे यहाँ पे जैक लिच, शायद ही खेलेंगे, 4 मैच में 12 विकेट हेड टू हेड के अंदर, ओली पॉपे का फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 200 रन मशीन को कहा जाता है इंग्लैंड के अंदर, 59 मैच के अंदर देख रहे हो आप 4000 के ऊपर रन है इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी तक खेला नहीं है। बात रही यहाँ पे किसकी, यहाँ पर वैन स्टार्ट की दोस्तों, जब भी स्वैनी के ऊपर मैच हुआ था गाबा ब्रिस्बेन के ऊपर, तो क्या हुआ है मार्कस हैरिस ने यहाँ पे टेस्ट के अंदर 2 मैच खेले हैं,
ये दोस्तों बताऊँ आपको मैं वीडियोस में दोस्तों टाइम क्यों लगता है, क्योंकि दोस्तों मैं आजकल एलपीएल वगैरह कवर क्यों नहीं कर रहा। रीज़न दोस्तों ये है कि दोस्तों जब मैं एक मैच कवर करने जाता हूँ ना, तो उसमें कम से कम दो तीन दिन लगते हैं कवर करने में, मतलब उसके डेटा निकालने में। समझो जैसे दोस्तों एशेज का मैच था अपना 8 दिसंबर को, आपको दोस्तों झूठ नहीं बोलूंगा ये वीडियो मैं 6 दिसंबर को बना रहा हूँ। इसके दोस्तों बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। और दूसरा फैक्टर बताऊँ, इसकी प्रिपरेशन दोस्तों मैंने 2 दिसंबर से या फिर 3 दिसंबर से चालू कर दी थी। आप दोस्तों मानोगे नहीं, कसम से दोस्तों, मैं जो यूट्यूब पर दोस्तों इसकी मैं दोस्तों सीरियसली कसम खा के कहता हूँ कि दोस्तों इतना टाइम लगता है प्रिपरेशन करने के अंदर। क्यों आप बताऊँ आपको, मार्क सीरीज टेस्ट मैचेस के अंदर 2 मैच के अंदर यहाँ 87 रन 29 रन की औसत है। अब देखो दोस्तों मैंने क्या करा कि मैंने यहाँ पे एक टैब ओपन करा, उसके अंदर दोस्तों मैंने रिसर्च करी कि भाई यहाँ पे जब फर्स्ट क्लास के मैचेस होते ना शेफील्ड ट्रॉफी के, तब दोस्तों किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था। तब दोस्तों मैं गया वहाँ पर, मैंने सर्च करा शेफील्ड ट्रॉफी 2021, फिर मैंने सर्च करा 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015। हालत दोस्तों ख़राब हो गई, इतने सारे दोस्तों मैच थे, इतने सारे टैब्स ओपन करने पड़े, फिर दोस्तों एक नोटबुक में लिखना पड़ता है कि भाई हाँ इसने ये करा था बैट फर्स्ट करते, उसने ये करा था बैट सेकंड करते। देखो आप यहाँ पे मार्कस हैरिस यहाँ पे विक्टोरिया की तरफ से खेले थे, तो इन्होंने यहाँ पे करा था 2 और 62 बैट फर्स्ट 10-14 चेस के ऊपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर। डीड वार्नर ने यहाँ पे 9 मैच खेले, 866 रन है, 62 की एवरेज है। अब देखो दोस्तों डेविड वार्नर ने ना इस वेन्यू के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ क्या करा है, इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू के ऊपर द गाबा के ऊपर 2 मैच खेले, 286 रन यार, 95 की औसत है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इन्होंने न्यू साउथ वेल्स की तरफ से खेला था 125-0 चेस करते हुए, 25-37 चेस करते हुए। मानस लोभूषण का दोस्तों होम ग्राउंड है, 100 की औसत, 3 मैच में 400 रन है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर 0 रन 36 रन इसी साल करा था दोस्तों, अभी 10 तारीख की बात है। फिर देखो 0 बाण में चेस करते हुए 26 चेस करते हुए, मतलब बैट सेकंड करते हुए, फिर यहाँ पे 0 रन बैट सेकंड, 1 विकेट है, 32 रन 72 रन बैट सेकंड है, फिर यहाँ पे 69-52 बैट फर्स्ट है, 36-3 बैट फर्स्ट, 0-0 चेस के ऊपर है, 47 चेस के ऊपर है, 11-10 बैट फर्स्ट है, 32 चेस के ऊपर, 23-2 बैट फर्स्ट है, 11-26 बैट फर्स्ट है, 6-88 बैट फर्स्ट, 19-39 बैट फर्स्ट है। दोस्तों इनका होम ग्राउंड है, बहुत मैचेस खेले हैं, एस टी एस में आएंगे यहाँ पे 7 मैच 670 रन 67 की एवरेज है। इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू के ऊपर 2 मैच में 172 रन करें, 86 की एवरेज है। और यहाँ पे फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर ना इन्होंने यहाँ पे 2 मैच खेले थे, 0-21 बैट सेकंड है, 44-9 बैट सेकंड है। टर्फ साइड की बात करें यहाँ पे 2 मैच में 108 रन है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर यहाँ पे 12 करा था एक मैच में, फिर एक मैच में 9 करा था। आएंगे यहाँ पे कैमरन ग्रीन, यहाँ पे दोस्तों इन्होंने टेस्ट के अंदर 47-47 करा है टेस्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसकी, किन्होंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास में क्या करा था, तो आप देखो 53-15 यहाँ पे दोस्तों भाई साहब ने अपना एक ऐतिहासिक नौ खेली थी 250 की, इसी वेन्यू के ऊपर करा था, फिर 87-121। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों 3 मैच इसने फर्स्ट क्लास में खेले हैं, और तीनों में इसने 70 के आसपास स्कोर्स तो करे करें, मतलब टोटल मिला के, तो गजब प्लेयर है इस वेन्यू पे। एलेक्स करी दोस्तों पे फर्स्ट क्लास में 14 और 20 करा था बैट फर्स्ट करते हुए। नेथन लियान का दोस्तों 10 मैच में 38 विकेट है, और यहाँ पे अगेंस्ट इंग्लैंड इस वेन्यू के ऊपर उन्होंने 2 मैच में 9 विकेट निकाले। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर इनका यहाँ पे 4 विकेट्स हैं एक मैच के अंदर, मैच स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पे 8 मैचेस के अंदर 34 विकेट है। इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू के ऊपर 1 मैच में 6 विकेट था। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर यहाँ पे 1 विकेट था। पैट कमिंस की बात करते हैं, इनका यहाँ पे 4 मैच में 25 विकेट्स हैं। इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे 1 मैच में 4 विकेट था, 42 रन था। हेजलवुड की बात करते हैं, 6 मैच 29 विकेट्स हैं, अगेंस्ट इंग्लैंड यहाँ पे 1 मैच में 4 विकेट था। मैच स्टैट्स वगैरह दोस्तों खेलेंगे नहीं, तो उनके बारे में क्या ही बात करूँगे दोस्तों, स्टैट्स मैंने निकाल लिए थे निशर के, देखो क्या कड़क स्टैट्स हैं। निशर खेलते ना ओवर मिड स्टॉक तो अच्छे भी घुस सकते थे, देखते हैं क्या होता है यार, पर प्लेइंग 11 पहले बार हो चुकी है। रॉनी वंस नहीं खेले, अमीन नहीं खेले, डेविड मलान ने यहाँ पे 56 चार करा है बैट फर्स्ट करते हुए। जो रूट दोस्तों यहाँ पे 2 बार खेले हैं, ये आपको दिख रहा है 2 और 26 नॉट आउट, ये दोस्तों करा था 2000 कितनी बात है, 2008 या 2009 की बात है, तब दोस्तों जो रूट नंबर 6 नंबर 7 पे खेलते थे यार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15 रन 51 रन है, 2 रन 26 रन है। जॉन बेस्टो का 942 था, क्रिस वोस का यहाँ पे 1 विकेट 17 रन था। जेम्स एंडर्स ने दोस्तों पे बहुत सारे मैच खेले, 2 विकेट 0, मतलब देखो इस टेस्ट मैच में 2 विकेट है, इस टेस्ट मैच में 2 विकेट है, इसमें 2 विकेट है, इसमें 1 विकेट है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास करा नहीं है। शुभ ब्रॉड 3 विकेट 8 विकेट फिर 1 विकेट है। मैचअप्स की बात करते हैं दोस्तों, आपको मैचअप्स तो अच्छे से पता ही रहेगा, जो स्टूअर्ट ब्रॉड है ना भाई साहब, मेरे हिसाब से फिर से डेविड वार्नर का नंबर लेके आएंगे मुझे लग रहा है, क्योंकि दोस्तों 2019 की बात है, थोड़ा समझ आता दोस्तों, जुकाम बहुत तगड़ी वाली लग गई यार, पता नहीं क्यों। तो देखो 2019 की बात है, तो उसके अंदर ना डेविड वार्नर को इंग्लैंड के अंदर भाई साहब जो अपने स्टूअर्ट ब्रॉड थे ना, राउंड द विकेट आते थे, डंडा उखाड़ते थे दोस्तों, हर बार लेग बिफोर करते थे या स्लिप पे दोस्तों आउट करते थे, सेटअप करते थे गजब दोस्तों बॉलर स्टूअर्ट ब्रॉड और डेविड वार्नर। दोस्तों मैच अब बहुत तगड़ा होगा दोस्तों, देखने लायक है। देखो आप खुद 12 पारी मतलब 12 बार आउट करा है स्टूअर्ट ब्रॉड ने डेविड वार्नर को, कितने गेंदों के अंदर 631 गेंदों में 349 रन दिए हैं,
ठीक है। बेन स्टोक्स ने दो बार आउट कराया, क्रिस वोक्स ने दो बार, जेम्स हेंडरसन ने दो बार आउट कराया। और यहाँ पे दोस्तों मार्कस हैरिस का भी स्ट्रगल शॉर्ट बॉल के सामने 44 गेंद 28 रन 3 बार आउट कराया। आएंगे मानस लबुशियन का स्ट्रगल है जैक लीच के सामने, 92 बॉल 56 रन दो बार आउट कराया। स्टीव स्मिथ का स्ट्रगल रहा है दोस्तों जेम्स हेंडरसन के सामने, 893 बॉल 378 रन 6 बार आउट हुए। शॉर्ट बॉल ने 8 बार आउट कराया इनको। शॉर्ट बॉल कैन बी द मैन टू वॉच आउट। ट्रेविस हेड वर्सेस स्टुअर्ट ब्रॉड, 60 गेंद 31 रन 3 बार आउट कराया। उस्मान ख्वाजा दोस्तों नहीं खेलेंगे, रॉनी बंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो उनका स्ट्रगल रह रहा है पैट कमिंस के सामने, 291 गेंद 95 रन 4 बार आउट कराए। हेजलवुड ने 3 बार आउट कराए, लियोन ने 2 बार आउट कराया। असीम अमीद यट टू फेस है। डेविड मलान की बात करते हैं, उनका स्ट्रगल रह रहा है नैथन लियान के सामने, 3 बार आउट हुए। मिड स्टाक ने 2 बार चलता करा है, पैट कमिंस ने 2 बार, हेजलवुड ने इनको ज़्यादा परेशान करा है। जो रूट की बात करते हैं यहाँ पे तो दोस्तों इनका स्ट्रगल पैट कमिंस के सामने है, 29 बॉल 140 रन 7 बार आउट कराए। हेजलवुड के सामने दोस्तों ज़्यादा बॉल फेस करी लेकिन ज़्यादा आउट नहीं हुए, और लियोन के सामने भी ज़्यादा आउट नहीं हुए, मतलब ठीक ठाक फेस करा है, 7 बार आउट हुए वैसे। जॉनी वैरिस्टो वर्सेस मिड स्टाक गजब मैचअप है, 216 गेंद 111 रन 8 दफा आउट करा दोस्तों मिड स्टाक ने हेजलवुड को। पैट कमिंस ने 3 बार, हेजलवुड ने 5 बार आउट कराया, लियोन ने 6 बार। बेन स्टोक्स वर्सेस नैथन लियोन, 593 गेंद 314 रन 6 बार आउट कराए। मिड स्टाक दोस्तों ज़्यादा परेशान करते हैं, बेन स्टोक्स को 78 गेंद 44 रन 3 बार आउट कराए। जॉस बटलर वर्सेस पैट कमिंस, 145 गेंद 41 रन 5 बार आउट करा। कॉमन कैप्टन मानस लुबिशियन, स्टीव स्मिथ बड़ी लीग्स में बनाओ दोस्तों यहाँ पर मानस लुबिशियन, स्टीव स्मिथ को, बेन स्टोक्स को, जो रूट को अलग जाना है, डेविड वार्नर पैट कमिंस अच्छे भी हो सकते हैं, और ऑली रॉबिन्सन कैन बी द मैन टू वॉच आउट। बात करेंगे दोस्तों टीम्स की, पहले दोस्तों आप एक टीम देख लो वाली, इसके अंदर क्या करा है डेविड वार्नर लिया, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी, ठीक है, इसको एक बार देख लो। अब देखो दोस्तों दूसरी टीम आपको दिखाता हूँ मैं, इसके अंदर दोस्तों क्या कर रहा है, ये टीम टू है, इसके अंदर भी वही कैप्टन वाइस कैप्टन सेम है, बेन स्टोक्स है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक चीज़ करा है, डेविड वार्नर को ड्रॉप करा है, डेविड मलान को लिया है, और जैसे पे मैंने लिया कैमरन डीन के बदले ऑली रॉबिन्सन। ये दोस्तों मुझे ज़्यादा बेटर सेफ और थोड़ी सेफ नहीं रिस्की टीम लग रही थी। या फिर दोस्तों आप 11 प्लेयर ले सकते हो रॉरी बंस को, या फिर दोस्तों आप ले सकते हो यहाँ पे किसको, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कैमरन ग्रीन, क्रिस वोक्स हो गए, मतलब आप बहुत सारे प्लेयर्स को ले सकते हो। और देखो बड़ी लिस्ट में करना है, पहली बार रिस्क लेने से दोस्तों डरना नहीं, एशेज है, प्रेशर वाला मैच है दोस्तों, मजा आएगा देखने में। जॉस बटलर, ये दोस्तों कीपर हमेशा ना टेस्ट मैचेस में इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत सारे कैचिंग पॉइंट्स देते हैं, तो आप किसी को भी पिक कर लो आपकी मर्जी है। डेविड वार्नर, ये दोस्तों शॉर्ट बॉल का मैचअप है बस, वरना दोस्तों अच्छे प्लेयर है, वेन्यू पे भी अच्छा ही कर रहा है यार, वैसे तो 92 की एवरेज है इंग्लैंड के खिलाफ इस वेन्यू पे, वैसे तो बहुत अच्छी एवरेज है इनकी, रूट अच्छे प्लेयर है, स्विस में दोस्तों अच्छे प्लेयर हैं सब जानते हैं। मलान दोस्तों यहाँ पे अच्छा ही कर रहा है, 60 रन करे एक मैच में। ख्वाजा दोस्तों नहीं है, रॉरी बंस दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो बैट सेकंड में। ट्रेविस हेड दोस्तों आपको देख लेना बैट फर्स्ट बैट सेकंड में किस मैच कर रहा है। असीम उम्मीद, ये दोस्तों नई गेंद से शायद देखते हैं किस तरह से फेस करते हैं, पैट कमिंस को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मार्कस हैरिस दोस्तों दिक्कत होगी इनको शायद शॉर्ट ब्रॉड से। वोक्स दोस्तों एवरेज स्टैट्स दोस्तों मैं इनको लेता था, आपको बता रहेगा जब इंग्लैंड वर्सेस इंडिया की सीरीज थी तब दोस्तों अपन लेते थे, पर इस मैच में दोस्तों कह सकता हूँ थोड़ी रिस्की हो सकते हैं, आप ट्राई कर लेना दोस्तों, गट फील थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मेरे को, तो खास स्टैट्स नहीं है। लबुशियन इंपॉर्टेंट, स्ट्रोक्स इंपॉर्टेंट है, ग्रीन दोस्तों ट्राइबल प्लेयर हो सकते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। हेजलवुड अच्छे पिक है। स्टाक के दोस्तों अच्छे नंबर थे यार, देखा जाए तो स्वैनी पे इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच में 6 विकेट है। एंडरसन दोस्तों यार थोड़े से रिस्की लग रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टुअर्ट ब्रॉड, ज़्यादा बेटर लगे मुझे दोनों में कंपेयर करते हैं तो अपन। फिर यहाँ पे पैट कमिंस इंपॉर्टेंट रहेंगे और ऑली रॉबिन्सन अच्छा काम कर सकते हैं। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आएगी आपको दे दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। और आप चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन कर दे, तब तक ले टेक केयर, लव यू गाइस, जय हिंद।